हाँ जी देखो जी, ये स्टैंडर्ड वायर गॉज है, ठीक है। इसनों SWG भी शॉर्ट फॉर्म दे विच कह दिंदे आ। ते जिहड़ा स्टैंडर्ड साइज दा हुंदा 0 तों लैके 36 हुंदा। तुसीं देख सकदे हो कि स्टैंडर्ड वायर गॉज किस तरीके दा हुंदा। इहदे विच तुसीं देख सकदे हो, आ देखो 1 तों लैके नंबरिंग कीती गई है सारी, है 36 तक, ठीक है जी। जिहड़ी है बाहरली साइड नंबरिंग कीती गई है, इहदा मतलब हुंदा वी इन्ने SWG दा हैगा, ठीक है जी। तो जेड़े अंदर है जिम्मे 0.23, 6.40, ये सारी जी अंदरली नंबरिंग है वह MM है, भी इन्ने मिलीमीटर साइज जेड़ा है केबल का है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड वायर गॉज जेड़ा है ये राउंड शेप दे विच हुंदा, या तुसीं कह सकते हो गोल आकार हुंदा, ठीक है। ये पतली प्लेट हुंदी है स्टील की, ठीक है। इसके घेरे में अलग अलग साइजा दरिया यानी सलोटा कीतियां जांदियां ने, इस चीज नूं चरिया या फिर सलॉट्स कह सकते हो, ठीक है जी। इन्हां दे व्यास अनुसार तार दे नंबर अंकित किए होंगे, जिवें व्यास का मतलब कहते डायमीटर, उस अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग की जाती है, ठीक है। इस नाल वाइंडिंग दे तारां अते केबलां दे तारां दे नंबर माप सकते हैं, ठीक है। हुण इह तां हो गया स्टैंडर्ड वायर गॉज, ओके। हुण इहदी सांभ संभाल यानी केयर एंड मेनटेनेंस भी आपां नूं पता होनी चाहिए, इसकी आपां सांभ संभाल किस तरीके दे नाल करनी है। इसनों जंगाल अते मिट्टी तो बचाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी करोजन ना हो या रस्ट ना लगे, ठीक है, ताकि ये सही रहे अपना। उस तो बाद इसनों टूल बॉक्स विच नहीं रखना चाहिए। तार का साइज मापन समय जबरदस्ती तार नू चरी यानी कि स्लॉट दे विच नहीं पाना चाहिए, ठीक है जी। हुण आपां ने इसनों चैक किवें करना है कि केड़े नंबर दी साइज। वैसे तो जेहड़े आम तौर केबल्स दे उपर लिखा भी हुंदा, तुसीं देख सकते हो उरे लिखा है भी 1.5 square mm दी जेहड़ी हैगी है तार है, एवें लिख के आंदा हुंदा, ठीक है। उस तो बाद जे हुण तुसीं चैक करना है, सब तो पहला तुसीं ये चीज देखनी जिवें आपणे छिल्ली है पहला तार, है ना, तो इहदे उपर आह इस तरीके दे नाल खुले हुए ने कंडक्टर, इसनों आपां जिहड़ा हैगा इस तरीके दे नाल पहला जां तां चाहे हथ नाल टाइट कर दो एवें, ठीक है जी, या फिर प्लास दी यानी प्लायर दी हेल्प ले सकते हो, ओके।